स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम द्वारा हिमाचल पंजाब की सीमा पर कस्बा मिर्थल में तस्करों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में ड्रग्स और 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। हिमाचल से सटा होने के कारण मिर्थल इलाके के आसपास कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ड्रग्स का बड़ा कारोबार पिछले लंबे समय से होता आ रहा है। कई बार हिमाचल और पंजाब की पुलिस ने इन इलाकों में रेड की और नशा तस्करों को भगाने में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। आपको बता दें कि इस छापेमारी में एसटीएफ लुधियाना से विशेष टीम एक सूचना के तहत पठानकोट पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पठानकोट पुलिस को साथ लेकर पठानकोट में ड्रग्स की बड़ी खेप को बरामद किया है और करोड़ों रुपए जो तस्करी में इस्तेमाल होते हैं उसको भी जब्त किया है। फिलहाल एसटीएफ की टीम ने अभी किसी भी रिकवरी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एसटीएफ द्वारा एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जबकि अन्य नशा तस्करों की तलाशी शुरू कर दी गई है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस के सहयोग से पंजाब के और नशा तस्करी के कई ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।